किंग कॉन्ग। हाँ। तुम सो रहे हो? सो कहाँ रहे? पहरा दे रहे? अच्छा, so sweet. जी। डैम इट, कितना कड़वा है ये। पता नहीं ये गांव वाले इसे इतने मजे के साथ कैसे ब्रश कर लेते हैं। लो, वो आ गया जो इस नीम से भी ज्यादा कड़वा है। ए लड़की, ए लड़की, ए लड़की, ये क्या कर रही है? बाहर निकल। शर्म नहीं आती? एक लड़की को बाथरूम से बाहर बुला रहे हो? अरे हम कब नहाना है? तो नदी में जाओ ना, जी करे नहाओ, जी करे डूब मरो, मुझे अभी आधा घंटा लगेगा। अच्छा जी मैं हरे, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी अरे मेरा दिल जला, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ए लड़की बहुत हो गया, बाहर आती है नहीं? नहीं आती तो क्या कर लोगे? तुम्हारे और मेरे बीच इस दरवाजे की दीवार है, बाहर आओ वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। जंगली होने के साथ साथ बेशरम भी हो। नहा नहीं रही थी? मैंने कब कहा कि मैं नहा रही थी? मैं तो गाना गा रही थी। यू नो, मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ, मुझे बाथरूम में गाना गाने में बड़ा मजा आता है। बाय द वे, मैं बाथरूम के अंदर क्या करूं क्या नहीं ये तुम्हारे रूल बुक में नहीं लिखा है, पढ़े। And one more thing. Would you have some cereal? Huh? Not so. Never mind. Bloody kabar. Prithvi bhaiya! Prithvi bhaiya kaha hai? गुसल खाने में इस वक्त। ओ पृथ्वी भैया, पृथ्वी भैया, ओ पृथ्वी भैया है। अरे आपको दादा ठाकुर जी ने बुलाया है खेत पर जीप लेकर। अरे अब तक आप तैयार नहीं हुए? आ रहे हैं। ठीक है,
टायर कैसे पंक्चर हो गया? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। तुमने क्या ही? पता नहीं, वैसे जिस तरह का तुम्हारा बिहेवियर है, न जाने कितने दुश्मन है तुम्हारे, पता नहीं किसने किया। वैसे तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तुम अपने दाता ठाकुर का काम करने के लिए टाइम पर पहुंचोगे कैसे। तेरी तो मारोगे मुझे, मारो मारो ना, एक बार तुम्हारे हाथ का निशान मेरे गाल पर पड़ गया तो फौरन मिस्टर रामधारी सिंह के पास चली जाऊंगी और कहूंगी, देखिए देखिए आपकी पृथ्वी ने मेरे साथ क्या किया। क्या हुआ, हाथ नहीं उठाओगे मुझ पर? मारो ना। पर एक बात कहूं, इस वक्त मुझे सबक सिखाने के बजाय तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम काम पर कैसे पहुंचोगे। तुम्हारी धन्नो तो टाए टाए फिस हो गई। बड़ा आया किंग कॉन्ग, से पंगा लेगा तो बहुत भारी पड़ेगा तुम। पहला भी लगा था कुछ सोच रहा हूँ शंभू, सब ठीक है? जी दादा। राजू का एडमिशन हो गया हाई स्कूल? जी दादा ठाकुर, आपकी कृपा से एडमिशन हो गया। बहुत अच्छा, सुनो पढ़ाई में कोई कमी बताने दे। जी दादा ठाकुर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। जी दादा ठाकुर। देर कैसे हो गई पृथ्वी? प्रणाम दादा। वो जीप खराब हो गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा उस लड़की का क्या हुआ, क्या कर रही हो? दादा पूरे गांव में 20 साल पहले की बात पूछते फिर रही है। वो जो कर रही है उसे करने दो, तुम अपना काम संभाल। ये जल्दी करो। आज लड़की के कारण पहली बार दाता के सामने नजर नीची करनी पड़ी हमें, छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी ले चलो, कितना हुआ? 109। कावे मुनीम, जय राम जी के छोटे ठाकुर। अबे जय राम जी की बात में बोलना बे। तुम लोग भाई गिनते रहना आपस में। पहले ही बताओ लक्ष्मी मैया का क्या हाल, कितनी बोरियां जमा हुई? 150 बोरी। 150। एक काम करो, बही खाते में 125 लिखना, शहर जाएंगी 150, बिकेंगी भी 150, बाकी 25 कहाँ पहुंचानी है ये हम तुमको बता देंगे। छोटे ठाकुर कहाँ गजब कर रहे हो, पृथ्वी के रहते दाता ठाकुर के अमानों में खयानत, पता चल जाएगा ना तो हमारी चमड़ी उतार देगा। वो तो बाद में उतारे, ओके पहले हम तुम्हारी चमड़ी उतार देंगे। बुढ़ापे में हमसे कौन कौन से पाप करवाते रहते हो मुनीम, इतनी उम्र तक इस धरती का बोझ बने पड़े, इसका हम बड़ा पाप है। सुनो मेरी, Oh
सुनो, पृथ्वी को अगर कुछ भी पता चला ना तो तुम री चमड़ी उतरी समझो। काम मुनीम, आज राम राम नहीं करो? अरे राम राम पृथ्वी भैया। आदमी एक दूसरे के कान में फुसफुसाकर दो ही सूरत में बात करता है, या तो आसपास बहुत शोर हो या उसके मन में कोई चोर हो। यहाँ का मांजरा है मुनीम? नहीं कछु नहीं पृथ्वी भैया, कछु नहीं। अरे बॉडी बिल्डर, तुमको वो लौंडिया की जासूसी के लिए रखा है ना, तो काहे मुनीम और सावका के पिछवाड़े आके सूंघ रहे हो बे? चुपचाप जाकर अपना काम करो। दो लोगों की वफादारी बहुत जरूरी होती है, एक जो किसका नमक खाता है और दूसरा वो जिसके हाथ में अपने मालिक का भाई खाता है। दाता ठाकुर तुमको ये हिसाब की पोथी नहीं, अपना विश्वास सौंपे। जिस दिन तुमने इसे तोड़ा हम तुम्हें तोड़ देंगे। वो भी बीच से। राम 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 पृथ्वी भैया, देखा चाकू गए ना उनको छोटे ठाकुर, अब हमसे कच्चो और उल्टा सीधा ना करवाओ। हाँ हाँ अच्छा सच्ची, वाओ आकाश दिस इज सो एक्साइटिंग, बिट्टू ने शाहरुख का एड्रेस पता कर लिया। आई विश आई वाज देयर। अरे वो वहां जाएगी, उनसे मिलेगी, ऑटोग्राफ लेगी। ओ माय गॉड, वो पक्का ही समुंदर के किनारे रहता है ना? अरे छोड़ो शाहरुख वारुख को यार, मेरे पास उससे भी बड़ी खबर है तुम्हें देने के लिए मीरा। यू नो व्हाट, प्रिलिमिनरी टेस्ट रिपोर्ट्स में सासू मॉम का कैंसर क्यूरेबल है। सच? तुम सच बोल रहे हो? गॉड आकाश दिस इज ग्रेट ग्रेट न्यूज़, आई एम सो हैप्पी। रियली थैंक यू सो सो मच। अच्छा सुनो, जब बिट्टू ठीक हो जाएगी ना तो हम सब मिलकर स्विट्जरलैंड जाएंगे। हाँ हाँ एल्प्स देखेंगे। यस मुझे तो जाना ही था, बट यू रिमेम्बर दैट वन टाइम जब बिट्टू ने कहा कि उन्हें भी यूरोप जाने का कितना मन है? ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन नाउ। यस Yes, I can't wait to... Ah! पता नहीं कौन सी जगह गई है, नेटवर्क बार बार। अब मैं अपनी मामा से कैसे बात करूंगी? टॉपर, तुमने मेरा फोन कैसे तोड़ा? ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें तोड़ देंगे। मेरे घर में रात सोने के लिए, बतियाते हुए सपने देखने के लिए नहीं। Psycho moron, the fuck! You're a really, really bad person. Your phone तोड़ दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान, बिट्टू, मेरी बिट्टू ठीक हो जाएगी। भगवान जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरी बिट्टू की जिंदगी में आपने उम्मीद की एक किरण दिखा दी, उनके शरीर के इस बीमारी के इलाज की राह तो आपने दिखा दी, अब उस दर्द के इलाज की राह भी दिखा दीजिए।
जो पिछले 20 सालों से धीरे धीरे उन्हें मार रहा है। पंडित जी बिटिया देखो, हम तुमका पहले भी समझा हुआ है, तुम्हारे कौनो प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं। पर आप तो भगवान के सबसे ज्यादा करीब हैं। देखो, ये गांव के भगवान दाता ठाकुर है, समझ गई ना? पर आप तो पुजारी है ना पंडित जी, पूरी दुनिया को ईश्वर और सच की राह दिखाते, तो फिर इस सच को सामने क्यों नहीं लाते? क्या यही धर्म है आपका, यही कर्तव्य है आपके लिए आपके दादा ठाकुर और मुझे को? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना बिटिया? चोट कैसे लगी? अभी अभी आपसे बात करते करते तो गिरी हूँ। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो तुम्हारे पैर पर जले का निशान है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये पता नहीं, बचपन से ही है, शायद बचपन में एक्सीडेंटली जल गया होगा। ऐसा ही निशान तो हम पहले कहीं और भी देखा है, किसी और के शरीर पर। तो का मतलब भवाई का कि ये लड़की और पू भगवान जाने सच का है? क्या हुआ, मेरे इस निशान को देखकर आपका चेहरा क्यों बदल गया? नहीं पूछो नहीं, तुम जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास मेरे सवालों के जवाब हैं। उन्हें जाने बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो बिटिया, हम कुछ नहीं कह पाएंगे, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो बस इतना बता दीजिए कि कहां से जवाब मिलेगा मुझे? तुम्हारे सवाल के जवाब वहीं से मिलेंगे जहां जहां से इस सवाल पैदा हुए। मतलब ये कि कुछ और नहीं, ये सवाल, ये पूरी कहानी तो उस हवेली से शुरू हुई है। इसका मतलब मेरे सवालों का जवाब भी मुझे उस हवेली से ही मिलेगा। हाँ, यही एक रास्ता है, मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया? थैंक यू पंडित, थैंक यू सो मच मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब चाहे जो हो जाए, मुझे उस हवेली में जाना ही, किसी भी कीमत।